हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम डेडलॉक के अंदर जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, यानी कि डेडलॉक की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैंने आपको बताया थे कि इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक तो कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, यानी कि डेडलॉक होने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है, जब वो लग जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब डेडलॉक लगेगा ही लगेगा इन प्रोसेसेस पे। ठीक है जी, जो हमने लास्ट टाइम किया था जिसके अंदर चार नेसेसरी कंडीशंस देखी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन होल्ड एंड वेट, तीसरी थी नो प्रियम्पशन और चौथी थी सर्कुलर वेट। आज हम डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अंदर उसका सेकेंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। देखो, नेट गेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो तो इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसके अंदर। दूसरा देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या कॉन्सेप्ट लाया और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यानी RAG शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ क्या है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की डेफिनेशन क्या बोलती है, सिंपली वो ये कहती है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे पास में एक ऐसा मेथड था, एक ऐसा तरीका था जिससे हम डेडलॉक को डिस्क्राइब कर सकते थे मोर प्रिसाइजली, बहुत अच्छे वे में, किसको यूज करके, डायरेक्टेड ग्राफ को। यानी कि एक बार दोबारा सुनो, हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ, आपने देखा होगी ग्राफ थ्योरी के अंदर अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ को यूज करके हम क्या कर रहे थे, एक डेड लॉक को अच्छे वे में प्रेजेंट कर पा रहे थे, डिस्क्राइब कर पा रहे थे, शो कर पा रहे थे, जिस पूरे इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा, सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्लियर हुआ इतनी चीज। अब RAG के अंदर हमारे पास 7 से 8 पॉइंट आते हैं, उसको देखते हैं कि उसने वो चीजें कैसे दी। तो यहां पे देखते हैं कि RAG ने कहा कि जो डायरेक्टेड ग्राफ को उसने यूज किया, ग्राफ के अंदर क्या चीज होती है, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जो इंक्लूड करता है वर्टिसेस एंड एज को, यानी V एंड E। तो V इस केस में किसको प्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज को। देखो, डेडलॉक किसकी वजह से लगता है, प्रोसेसेस एंड रिसोर्स में जो कॉम्बिनेशन या लिंकिंग बैठती है उसको देख के हम देख समझते हैं कि डेडलॉक लगा ही नहीं लगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने आ गए प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। अब एजिस का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं हम, वो रिप्रेजेंट करते हैं एलोकेशन को और रिक्वेस्ट को, कि प्रोसेस किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है या उसको कोई रिसोर्स एलोकेट हो गया है, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एज लगा के, यानी एरो लगा के। ठीक है जी, अभी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब RAG के अंदर मुझे किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सर्कल डालूंगा, सर्कल के अंदर मैं उसका नाम लिख दूंगा, जैसे P1 हो गया या P2 हो गया, कोई भी नाम होगा वो लिख दिया, सिंपल चीज़ है। ऐसे ही अगर मुझे रिसोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल के अंदर क्या करूँगा, उस रिसोर्स का नाम लिख दूंगा, लाइक R1 एंड R2। ओके, अब जो चौथा पाँचवा पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। अब हमारे पास टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, किस सेंस में, देखो वो कहता है एक होता है हमारे पास सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स, जिसका मतलब क्या होता है कि उस रिसोर्स की हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपी है। दोबारा सुनना, उस रिसोर्स की हमारे पास एक ही कॉपी है, मतलब वो सिर्फ अकेला ही है। लाइक हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, उसके अंदर CD-ROM हो गया या DVD राइटर हो गया, तो वो एक ही होता है जनरली, तो हम क्या कहेंगे कि DVD राइटर जो हमारे पास रिसोर्स है उसका कौन सा इंस्टांस है, वो सिंगल इंस्टांस का रिसोर्स है। तो सेम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो दो तीन तरीके होते हैं हमारे पास, या तो बोर्ड रेक्टेंगल के अंदर रिसोर्स का नाम लिख के एक डॉट लगा दो, डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है, इंस्टांस की, वही वो सिंगल है, वन मतलब सिंगल इंस्टांस है R1 का। ओके, ऐसी कई जगह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी के बाहर हम रिसोर्स का नाम लिख देते हैं, अंदर हम उसके डॉट लगा देते हैं सिंगल, जो कि क्या बताएगी, सिंगल इंस्टांस है। तो आप किसी तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो पांचवा पॉइंट है वो क्या बताता है कि अगर हमें एक से ज़्यादा इंस्टांस और रिसोर्सेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दो इंस्टांस हो या मल्टीपल इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज हो, तो बॉडी के अंदर दो लिखा तो दो इंस्टांस, तीन लिखा तो तीन इंस्टांस का, मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल टाइप का रिसोर्स है हमारे पास उस इंस्टांस का। ठीक है जी, तो ऐसे समझ में आ गया।
अब छठा पॉइंट क्या कहता है कि हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि रिक्वेस्टिंग एज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की यानी रिसोर्स की, तो हम क्या करेंगे एक एरो लगाएंगे प्रोसेस से R1 की तरह, ताकि बता सके प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की। भाई बात भी ठीक है, रिक्वेस्ट तो यहाँ पे प्रोसेस ही करेगा, रिसोर्स तो कोई रिक्वेस्ट करने वाला नहीं कि भाई मुझे उस प्रोसेस को दे दो, नहीं प्रोसेस ही को तो हमारे क्या चाहिए होता है रिसोर्स, तो प्रोसेस से एक रिसोर्स की तरफ एज लगा देंगे और क्या बोलेंगे ये एक रिक्वेस्टिंग एज है, प्रोसेस इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। सेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बुकों में बताई नहीं गई होती, इसको देखो अगर प्रोसेस से हमारे दो एजेस जा रही हो इस रिसोर्स की तरफ तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोसेस P1 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है दो इंस्टांसिस ऑफ R2 की, भाई इसको जो रिसोर्स हमारे पास R2 है उसकी दो कॉपी चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेगा वो दो एरो लगा देगा, तीन चाहिए होगी तो तीन लगा देगा, चार चाहिए होगी तो चार लगा देगा, सिंपल सी चीज। ऐसी सातवां पॉइंट क्या कहता है कि रिक्वेस्ट के बाद अगर हमें एलोकेशन एज बतानी हो या जिसे हम असाइन एज भी कहते हैं कि भाई ये रिसोर्स इस प्रोसेस को अब दे दिया गया है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये रिसोर्स इस प्रोसेस को दे दिया गया, तो एक रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज लगा देंगे जो कि क्या बताएगा ये रिसोर्स असाइन हो गया इस प्रोसेस को, सिंपल सी चीज। सेम वही अगर दो एरो जा रही होगी तो दो इंस्टांसिस इसको एलोकेट हो गए हैं, सिंपल चीज़ ऐसी कोई नहीं है। तो सिंपल ये प्रेजेंटेशन दी गई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है इसके अंदर कि हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या कहते हैं कि आप किस बेस पे या किस सिचुएशन में ये डिसाइड करोगे कि डेडलॉक है भी या नहीं है, तो ये पॉइंट्स देख लो, इस पे हो सकता है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हो या आते रहे हो या आपसे पूछ सकता है, ध्यान से देखना इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो हम ग्राफ लेके चल रहे हैं उसके अंदर कोई साइकिल नहीं आती, मतलब उसमें कोई साइकिल नहीं है प्रोसेस और रिलेशन प्रोसेस और रिसोर्सेज के बीच में जो ग्राफ बनाए उसमें कोई साइकिल नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे वो इस टाइम कोई भी डेडलॉक के अंदर नहीं है, मतलब अगर साइकिल नहीं होगी तो 10,000% गारंटी नो डेडलॉक, देर इज नो प्रोसेस इन डेडलॉक, ठीक है जी, ये कन्फर्म हो गया साइकिल नहीं तो कोई भी डेडलॉक नहीं है। ओके अगली चीज कि इफ ग्राफ कंटेन साइकिल, अगर अब ग्राफ के अंदर साइकिल आ गई तो क्या होगा, तब हम कहेंगे कि डेडलॉक मे एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे मे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मे का मतलब हो गया ब्रिटानिया 50-50, मतलब हो भी सकता है भाई और नहीं भी हो सकता। अब इस चीज़ को कैसे देखा जाए कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता अगर साइकिल है तो उसके लिए हमने इसने हमें दो पॉइंट दिए कि किस बेस पे हम ये चेक करेंगे कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, वो ये कहते हैं कि अगर साइकिल है ठीक है जी, तब हम क्या देखेंगे जो रिसोर्सेज उस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं वो क्या वन इंस्टांस वाले हैं यानी सिंगल इंस्टांस वाले हैं क्या, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टांस वाले हैं और यहाँ पे साइकिल बन भी रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई अब डेडलॉक लगा है, बिल्कुल यहाँ पे 100% गारंटी है कि साइकिल भी है और जितने भी रिसोर्सेज जो इन्वॉल्व है उस ग्राफ के अंदर वो सब सिंगल इंस्टांस के, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई ग्राफ के अंदर ये जो भी प्रोसेसेस है वो डेडलॉक में आ चुके हैं, क्लियरली हुआ। तो पहला 50 तो उसने क्लियर कर दिया किस बेस पे बोलना है कि साइकिल बननी है तो सिंगल इंस्टांस है तो डायरेक्टली बोल दो भाई प्रोसेस डेडलॉक में आ गए। दूसरा केस क्या कहता है कि भाई अगर साइकिल बन रही है और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है जो भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमने लिए हैं वो कौन से हैं, सेवरल इंस्टांसिस वाले हैं, मतलब कि मल्टीपल इंस्टांस वाले हैं, कोई दो है कोई चार कोई एक कोई पाँच कितने वाले भी हो, बट उस केस में क्या होगा, तब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डेडलॉक लगा हो, दोबारा से उसने आपको फंसा दिया, यहाँ पे तो उसने कंफर्म कर दिया कि भाई अगर सिंगल इंस्टांस है और यहाँ पे साइकिल बन गया कंफर्म बोल दो डेडलॉक है, बट वो बोलता है कि अगर ऐसा केस ना हो सिंगल इंस्टांस ना हो मल्टीपल इंस्टांस वाले हो ज़्यादा इंस्टांस वाले हो तो क्या कहोगे, वहाँ पे 50-50 चांस फिर से है। देन वो इस पॉइंट को कैसे क्लियर करता है कि देखो वो ये कहता है कि सर्कुलर वेटिंग जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है
वो एक नेसेसरी कंडीशन है। देखो यहाँ पे जो साइकिल बनती है मतलब सर्कुलर वेटिंग बनती है वो क्या कहता है, वो एक नेसेसरी कंडीशन तो है बट वो एक खुद में सफिशियंट नहीं, अकेले में कितनी सफिशियंट हो कि ये डिक्लेयर कर दे कि भाई यहाँ पे डेडलॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस आ गया सेवरल इंस्टांसेस का। क्लियर हुई बात? नेसेसरी है बट यहाँ पे सफिशियंट नहीं है। बट यही चीज यहाँ पे उसने उल्टी कर दी कि अगर साइकिल बन रही है और हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेस सिंगल इंस्टांस के हैं तो ये जो कंडीशन होती है ना सर्कुलर वेटिंग की, ये अकेले में इतनी सफिशिएंट होती है कि डिक्लेयर कर देगी यहाँ पे डेडलॉक आ चुका है। उसका रीज़न क्या है वो अगर आपको चार पॉइंट पता हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेटिंग, उसको अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस बलबूते पे बोल रहा है कि सर्कुलर वेटिंग अकेले में इस केस में सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। तो उस पॉइंट को आप कर लीजिएगा ताकि इसको समझ जाओ वो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो मेन पॉइंट्स हमें पता चल गए। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन के अंदर एक नंबर में आ जाए कि ये बताओ कि एक ग्राफ के अंदर साइकिल बन रही है तो क्या 100% गारंटी है कि वहाँ पे डेडलॉक होगा? तो वहाँ पे लिख देना कि भाई 100% गारंटी नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्दर पॉइंट्स है जिसको हमें देखना पड़ेगा, जिसके बेस पे ये डिपेंड करेगा कि डेडलॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि आरएजी किस तरीके से प्रेजेंट करती है प्रोसेस को, रिसोर्सेज को, या उनके बीच में जो भी एलोकेशन हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि गैल्विन की बुक के 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पे उसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है जो इसने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हमें उससे हम क्लियरली इस चीज़ को देख सकेंगे कि जो जस्टिफाई कर पाएंगे एक तरीके से कि हाँ जो ये पॉइंट दे रहा है उसके बेस पर हम ये समझ सकते हैं इसमें देख के ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को ऐसे ही रहने देंगे, बस इसको रब करके एग्जांपल करेंगे। बट इस वीडियो को अच्छे से करके आना, जो पिछली वीडियो थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेटिंग, जो हमारी नेसेसरी कंडीशंस थी हमारे पास डेडलॉक की, उससे जरूर करके आना ताकि अब एक हम लेवल मतलब क्रॉस करने वाले हैं जिस वजह से क्या होगा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि हम अगली चीज़ को ढंग से कर पाए। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके आइएगा। क्वेश्चन मेनली ऐसे ही आएंगे, डायग्राम दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा डेडलॉक है या कौन सी नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो किसी से बंधा नहीं हुआ तो करके आना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना और हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।